आईएसपी के सीएसआर विभाग की योजना के तहत आईएसपी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वे बच्चे जो आर्थिक कमजोरी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, ऐसे छात्रों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 अक्टूबर 2015 को फ्री कोचिंग सेंटर एवं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई थी। विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए यह वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आईटीआई कॉलेज के रूप में संबद्ध हो गया, जिसका नाम रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट आईटीआई आसनसोल रखा गया। 19 जनवरी 2019 को आईएसपी डीएसपी एंड एएसपी के सीईओ श्री अनिर्बन दास गुप्ता ने इस आईटीआई इंस्टीट्यूट तथा फ्री कोचिंग सेंटर के नए बिल्डिंग का उद्घाटन अनावरण फलक हटाकर किया। इनके अलावा इस अवसर पर ईडीपी एंड श्री सी एस सिन्हा, ईडीएमएम श्री एसपी सिंह, जनरल सेक्रेटरी आर के मठ व आर के मिशन बेलूर मठ स्वामी सुबीरानंद जी महाराज, आर के मिशन आसनसोल के सेक्रेटरी स्वामी सोमात्मानंद जी महाराज, मैनेजर आर के मिशन व बेलूर मठ स्वामी ग्रीषानंद जी महाराज, अध्यक्ष अद्वैता आश्रम मायावती हिमालय स्वामी मुक्तिदानंद जी महाराज, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री एस डी लाहिरी। इनके अलावा आईएसपी के अन्य उच्च स्तरीय अधिकारीगण, आश्रम के महाराज तथा गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। तदुपरांत उपस्थित सभी अतिथियों ने मंगल दीप प्रज्वलित किए। सर्वप्रथम स्वामी सोमात्मानंद जी महाराज ने सभी का स्वागत किया। तत्पश्चात श्री दासगुप्ता ने सीएसआर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, हमें समय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम विकास की ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। स्वामी सुबीरानंद जी ने आईएसपी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हमारे देश में हर तबके के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। स्वामी मुक्तिदानंद जी ने कहा, इस संस्था में जो विभिन्न तरह के कोर्स कराए जाएंगे, वह सभी यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मददगार साबित होगा। श्री सिन्हा ने कहा, इस संस्था का एकमात्र उद्देश्य स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के आंकड़े को शून्य पर लाना है। श्री लाहिरी ने कहा, बिना शिक्षा के जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। सेक्रेटरी पटना स्वामी सुखानंद जी महाराज के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से कार्यक्रम समाप्त हुआ।